पंजाब के किसानों दिल्ली के कोलों मंगया अज तक कुछ नहीं मिलिया। फसलां थोड़ियां जमीन थोड़ियां ते काबज है हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलती। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब के किसानों के नौजवानों, दिल्ली मलनी पैनी है। 13 फरवरी नू दिल्ली फतेह करो, मंगनी करो बल्लो दिल्ली। इस मोदी की हिक ते ला दो खालिस्तान के झंडे, इस मोदी के घर के उत्ते खालिस्तान झंडे लगा दो ते दिल्ली फतेह का ऐलान करो। दिल्ली के आसपास किसानों का आंदोलन जारी है, जिसमें वे केंद्र सरकार से अपनी मांगों को मान्य करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अमेरिका आधारित बैंड संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के संस्थापक और वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने किसानों को हरियाणा और पंजाब के पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए शस्त्र देने का प्रस्ताव रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है कौन और उसे किसानों के आंदोलन से क्या मतलब है, क्यों उसने किसानों को हथियार देने का प्रस्ताव रखा है, इसके पीछे उसका इरादा किसानों को सरकार से लड़ने के लिए उकसाने और अपने खालिस्तान के अंगेदे को आगे बढ़ाने का है, और क्या उसके इस कदम से किसानों के आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिर। ये मामला गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक नए वीडियो का है, जिसे उसने 17 फरवरी को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इस वीडियो में वे किसानों से कह रहे हैं कि शनिवार को दिल्ली में होने वाली बातचीत से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए हरियाणा और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को शस्त्रों से निशाना बनाएं। उन्होंने कहा कि शस्त्र उन्हें पाकिस्तान के करतारपुर बॉर्डर पर मिल जाएंगे, जहां से वे अपने ट्रैक्टरों या अन्य साधनों से उन्हें ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक आत्मरक्षा का उपाय है, क्योंकि सरकार उन पर गोलियां बरसा रही है। इस वीडियो को देखकर आपको लग सकता है कि ये एक फिल्मी ड्रामा है, लेकिन ये एक गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी आतंकवादी है, जिसे भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। वो सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ के संस्थापक और वकील हैं, जो एक अमेरिका आधारित संगठन है जो भारत से अलग खालिस्तान की मांग करता है। इस संगठन को भारत ने 2019 में आतंकवादी संगठन के रूप में बैन किया था। पन्नू और उसके साथियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें देशद्रोह, राजद्रोह, आतंकवाद, धमकी और भाड़े के हत्यारे का इल्जाम है। पन्नू का ये वीडियो उसकी निर्लज्जता और बेहूदगी का परिचायक है, जिसमें वो किसानों को अपने खालिस्तान के एजेंडे के लिए शहीद होने के लिए उकसा रहा है। वो किसानों को गुमराह करने के लिए झूठ फैला रहा है कि सरकार उन पर गोलियां बरसा रही है। हालांकि हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले और गोलियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है। पन्नू किसानों को शस्त्र देने का वादा कर रहा है, जो कि एक अपराध है और जिसके लिए वो खुद भारत के कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हो सकता है। पन्नू का ये वीडियो किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास है, जिसमें वो उन्हें हिंसा के रास्ते पर ले जाना चाहता है। इससे न केवल किसानों की जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि उनकी मांगों को भी कमजोर होने का खतरा होगा। इसलिए हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह के भड़काऊ और झूठे वीडियो को नजरअंदाज करें और अपने आंदोलन को शांति और विनम्रता से जारी रखें। हम आशा करते हैं कि सरकार और किसानों के बीच की बातचीत से इस मुद्दे का समाधान निकलेगा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे एक खालिस्तानी आतंकवादी
गुरपतवंत सिंह पन्नू किसानों को शस्त्र देने का प्रस्ताव रखकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको इस रिपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी या सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके विचारों को जरूर पढ़ेंगे और उन पर विचार करेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो की अपडेट मिलती रहे।